स्टूडेंट वेलकम टू योर चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये डायग्राम प्रोवाइड किया गया है जिसमें दो लाइन है एम और एन, एक्स वाई जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट पॉइंट ओ पर, और इसमें दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई जो कि 90 डिग्री है, और इस तरह से ये ए बी और सी तीन एंगल दिए हुए हैं जिनमें से सी फाइंड करना है, और आपको ए और बी में रेशो 2:3 प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको फाइंड करना है, हमें जब भी कोई वैल्यू रेशो में दी होती है तो उसको हम वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल लगा के उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका जो एंगल है हमने x वेरिएबल लगा लिया, तो एंगल ये आपका 2x हो जाएगा और एंगल b 3x हो जाएगा। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसका ये आधा एंगल 90 है तो ये बचा हुआ भी 90 होगा। तो इट मीन्स बचे हुए एंगल में a और b दो एंगल आ रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो आपका 90 हो जाएगा। ये स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर लिया गया है। तो ए और बी की वैल्यू हमने जो मानी है वो 2x और 3x है, वो आप यहाँ रख देंगे 2x और 3x। यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x is equal to 19। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 डिग्री। x आ गया आपका 18। अब ये 18 वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करने में। तो जो a हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 × 18 = 36 डिग्री, और जो b आएगा वो आपका 3 × 18 = 54 डिग्री। तो इस तरह से a और b आपके आ चुके हैं, पर उसने a और b नहीं पूछे, उसने पूछा है c। तो देखिए MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो B एंगल B और एंगल C का जो सम होगा वो आपका हो जाएगा 180। यहां लिखेंगे हम MN is a line, तो एंगल B प्लस एंगल C होगा आपका 180, और ये प्रॉपर्टी है आपकी लीनियर पेयर। अब इसमें B की वैल्यू आप रखेंगे 54, सी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो सी इक्वल टू ये ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा, सी की वैल्यू ट्रांसपोज होके आपके आ जाएगी 126 डिग्री। स्टूडेंट इस तरह से आपका आंसर आ गया सी का 126 डिग्री।